समस्या पे उत्पन्न हो रहा है, जैसे वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोग फीवर उत्पन्न हो जा रहा है, अभी यहाँ पे वो समस्या उत्पन्न हुआ है कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ है। आपके देखने से यहाँ के लोग वैक्सीन लगाने में जागरूक है? जागरूक तो है, तब न लोग आ रहा है। लोग पहले आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद वैक्सीन लग रहा है। जिसके आधार कार्ड नहीं बना है वो नहीं लग पाएगा। गाँव में अभी कोरोना के कोई केसेस है या नहीं? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कहीं नहीं है। नमस्कार प्रणाम, हम सुमित मिश्रा आज सभी को आज वहाँ लेकर आए हैं जो कि वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के बगान मंडल में ही और संतपुर सरिया पंचायत के संतपुर ग्राम में पड़ता है, जहाँ पे आज से ही लगभग 45 वर्ष से अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो आज यहाँ पे जो भी डॉक्टर है, जो भी कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मी है जो कि इस वैक्सीनेशन में सहयोग दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं, पता करते हैं कि वैक्सीनेशन का काम कब से शुरू हो गया है और ये कौन सा चरण है, पहला चरण है तथा दूसरा चरण है। ये वैक्सीनेशन का काम कब से शुरू करके अभी यहाँ पे हुआ है? 10 बजे से शुरू किए हैं। अभी कितने लोगों को लग चुका है वैक्सीन? 70 लोग का। तो इसके पहले की काम कहाँ चल रहा था? पहले बहुत जगह हुआ था, कनघुसरी किए, दरुआबारी, वाल्मीकि नगर, लक्ष्मीपुर। समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, जैसे वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोग फीवर उत्पन्न हो जा रहा है, अभी यहाँ पे वो समस्या उत्पन्न हुआ है कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ है। आपके देखने से यहाँ के लोग वैक्सीन लगाने में जागरूक है? जागरूक तो है, तब न लोग आ रहा है। लोग मतलब वैक्सीन दो चरण में लग रहा है ना व्यक्ति को, तो पहला है या दूसरा है? पहला दूसरा दोनों लग रहा है। और दोनों चरण के बीच कितना गैप पड़ रहा है? फर्स्ट चरण अब लग रहा है, उसके बाद कितना? 56 दिन तक के। पहले आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद वैक्सीन लग रहा है? ऑनलाइन होगा, उसके बाद ऑफलाइन नहीं। जिसके आधार कार्ड नहीं बना है वो नहीं लग पाएगा। अच्छा भैया, वेरिफिकेशन की क्या प्रक्रिया है? जैसे मतलब कोई ओटीपी गिर रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, वैसे क्या प्रक्रिया वेरिफिकेशन का? नहीं, ऐसे ऑनलाइन हम कर देंगे, उसके बाद मैसेज जाएगा उनको, जिसको वैक्सीनेशन हो गया होगा सुई लग जाएगा, उसके बाद उनको मैसेज जाएगा मोबाइल पे। और ये पहला चरण है? हाँ अभी। तो जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है ये मतलब दोनों चरणों में चलेगा या सिर्फ पहला चरण में ही चलेगा? दोनों चरण में। अगर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसका वैक्सीनेशन कैसे होगा? उसके लिए 3-4 ऑप्शन है, जैसे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस या पेंशनों का जो पासबुक होता है वो। अभी कितने चरण वैक्सीन लगेगा ये तो आगे से डिसाइड होता है, हम लोग जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ से डिसाइड होता है। अभी कितने लोग अब लगा चुके हैं? 70। ये मुख्य रूप से मुफ्त है या सरकार की तरफ से या आप लोग तरफ से कोई डिमांड भी है इसमें? नहीं नहीं, एकदम फ्री है। और ये वैक्सीन का काम जो चल रहा है मुख्य रूप से मतलब इसी पंचायत के लोग के लिए चल रहा है, बाहर से भी कोई व्यक्ति आए? सब जगह कहीं का भी आए लग जाएगा। 45 से अबव होना चाहिए। आपको वैक्सीन लग चुका है? जी हाँ। इसी में कुछ समस्या यहाँ पर सुनने में आया था कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ फीवर भी होता है, आपके साथ वो समस्या उत्पन्न हुई है? जी नहीं, किसी किसी के साथ होती है। तो मतलब यहाँ पे अभी जिसनों को वैक्सीन लगा है आपके नजर में किसी के साथ ये समस्या उत्पन्न हुई है? हाँ, कुछ आदमी के साथ हुई है, लेकिन अपने आप 1-2 दिन में फीवर समाप्त हो जाती है। ये वैक्सीन का काम यहाँ पे कब से शुरू हुआ है? मेरे पंचायत में वैक्सीन का आज 5वां कैंप है। गाँव में अभी कोरोना के कोई केसेस है या नहीं? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कहीं नहीं है। अच्छा, आप जानते हैं कोरोना क्या है? कोरोना एक महामारी है। कोरोना संक्रमित जो भी हो गया है उससे मतलब दूरी बना के रहा जाए, ऐसे भी आम जनता से अपील किया जा रहा है कि हर आदमी एक दूसरे से दूरी बना करके रहे, मास्क का उपयोग करे, सैनिटाइजर और या हाथ साबुन से धोए। एक तरह से गांव का मुखिया ही गांव का पहला व्यक्ति होता है, तो इस गांव का प्रथम व्यक्ति होने के नाते इस ग्रामीण निवासियों को आप मतलब इस कोरोना के बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे? इस कोरोना के बारे में हमने यही सुझाव दिया है कि आप हमेशा हाथ धोते रहें और मास्क पहले भी बांटा गया है, अब भी मास्क का काम बांटने का जारी है पंचायत सचिवों द्वारा, और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अगर किसी को उस तरह का मतलब सिम्टम आ रहा है तो 14 दिन के लिए वो होम क्वारंटाइन हो जाए, उसके बाद अगर कोई ऐसा सिम्टम उसका हो रहा है, सांस फूलना या कुछ ऐसा, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। अभी आप मतलब अभी तो शुरू हुआ है आज से, तो जैसे पिछले कुछ समस्या यहाँ पर ये आ रही थी कि जैसे कुछ गांव के लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उससे तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जा रहे हैं, आपके नजर में इस गांव में भी कोई समस्या है कि नहीं है? ना, अभी तक तो नहीं, 1-2 आदमी ऐसा बोल रहा था, कहीं सुन के आया हुआ था कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाता है वो हो जाता है, उन लोगों को समझा बुझा करके लगवाया जा रहा है। मतलब एक तरह से आप मोटिवेट का भी काम कर रहे हैं कि नहीं वैक्सीन लगवाइए, और हो सकता है साइड इफेक्ट, तो मतलब तो आम बात है, 100 में साइड इफेक्ट का हो सकता है, वो तो आम बात है। यानी ये जो वैक्सीनेशन काम शुरू हो रहा है यहाँ पर, लोगों की अधिक से अधिक मतलब यहाँ पर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यहाँ पर जितने 45 वर्ष से अधिक के लोग हैं अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे यहाँ पर, अपना वैक्सीनेशन संपूर्ण कराएं। ये वैक्सीनेशन हो गया है, डॉक्टरों से पता करने बात करने पता चला है वैक्सीनेशन का काम 2 चरणों में होगा, जो कि पहला चरण चल रहा है, जो दूसरा चरण होगा वो 28 दिनों के अंतराल पर दूसरा चरण का काम शुरू होगा। लेकिन वैक्सीनेशन में सबसे पहले आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, पहले आपको वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका वैक्सीन लग पाएगा, और ये जो वेरिफिकेशन होगा वो आपको ऑनलाइन होगा। जो वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके आधार कार्ड के साथ आपका एक फोन नंबर भी लगेगा, और वैक्सीनेशन हो जाने के बाद वो नंबर पे मैसेज चला जाएगा। कैमरामैन मुना गुप्ता के साथ हम सुमित मिश्रा, धन्यवाद।